नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कुछ मुचिन में प्रथम है हेडलाइंस। बीएमसी रा हॉस्टल छाड़ा नोटिस को नहीं बढ़ुचे असंतोष। राजरास्ता कोल्हाइले उत्कल विश्वविद्यालय छात्र छात्री शिक्षानुष्ठान बंद करने दाबी में मुख्य फाटक में बसिले हॉस्टल अंतवासी। मलकानगिरी दुष्कर्म पीड़िता आत्महत्या मामलार नुआ ट्विस्ट सामना को आसला चिकित्सा अवहेलार सांघातिक चित्र। उचित समय डाक्तर चिकित्सा करिनथिबा अभियोग अर्गस हाथ में एक्सक्लूसिव दस्तावेज। बढ़ुची ग्राफ बढ़ुची भय राज्य में हजारे टपिला दैनिक संक्रमण। 1282 कोरोना पॉजिटिव चिन्हित क्वारंटीन 755 लोकाल केस 527 सुंदरगढ़ सर्वाधिक 224 खोर्धार 112। बलांगीर राजेन्द्र विश्वविद्यालय छात्रों जंगल में माड़ मरा घटना वीडियो वायरल पर निज आड़ मामला रुजू कर 6 जन को अटक रखी पुलिस। पूर्व शत्रुता को नहीं छात्रों होता मणातक आक्रमण। संबलपुर सहर धला जहर जबत 1.5 लाख टंकार ब्राउन सुगार सह 3 निशा व्यवसायी गिरफ। नगद टंका सह 3 मोबाइल फोन जबत। सृष्टि हेब इतिहास ओडिशा इतिहास रो हिंदी अनुवाद उन्मोचन करेंगे प्रधानमंत्री। उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब को पुस्तक को अनुवाद करिसेंती डॉक्टर शंकरलाल पुरोहित। दिल्ली में पुस्तक उन्मोचन उत्सव में जोगदेवे केन्द्रमंत्री। आगामी 4 दिन कालबैशाखी वर्षा विभिन्न स्थान में खसला पारद। टिटलागढ़ सबुठार उत्तप्त सहर दिन सर्वोच्च तापमात्रा 42 डिग्री रेकर्ड। शेषे आज आईपीएल महोत्सव चेन्नई में होगा उद्घाटनी मैच। बेंगलोर को भेटिबो मुंबई। कोरोना कटकणा मध्यरे बिना दर्शक रे हेबो खेल। एथर संपूर्ण खबर। बीएमसी रा हॉस्टल छाड़ा नोटिस को नहीं बढ़ुचे असंतोष रो निया। राजरास्ता को ओल्लाई उत्कल यूनिवर्सिटी रा छात्र छात्री जहाँ को उत्कल विश्वविद्यालय छात्र छात्री धारणा देखते। विश्वविद्यालय मुख्य फाटक सम्मुख में धारणा देखते छात्र छात्री। बीएमसी रा हॉस्टल खाली करने निर्देश को तीव्र विरोध कर निर्देशनामा तुरंत प्रत्याहार करने दावी। कोरोना आलरे शिक्षानुष्ठान बंद न करने दावी में ओड़ी बसी छात्र छात्री। तेज संपर्कित अधिक सूचना पर आम सहित सीधासख जोड़ी होती आम प्रतिनिधि चिन्मय साहू जोड़ी होती। चिन्मय आउ किसी अपडेट आसूची कि आउ कौन ताजा चित्र आसूची। निहाती भाव में चिन्मय आम जी कह बीएमसी पक्षर जो कल नोटिस करापर आज राजरास्तार उत्कल यूनिवर्सिटी छात्र छात्री मैंने आसी बसने दिन 10 पाखापाखि यूनिवर्सिटी गेट पाखे गोटे विराट बड़ राली आसी जदि कह बाणी बिहार से अटके पूरा रास्ता घाट गाड़ी मोटर को बंद कर देर जहाँ दाबी रही कि जदि इलेक्शन करल सिनेमा हल सबकि खोल जाए कौन पर यूनिवर्सिटी छात्र छात्री मानक जावाप हॉस्टल बाहर करने बीएमसी तरफ निर्देश दिए एने के छात्र छात्री अच्छा से सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना दाबी रही। देखु आमर आज दाबी रही कि आम शिक्षानुष्ठान हॉस्टल खोल जाऊ शिक्षानुष्ठान खोल रो पाठ प्रति कौन प्रकार अवहेला सरकार न करूँ आम मैंने कोविड नियम मानि चलू एवं शिक्षानुष्ठान कोविड नियम पालन कर पाठ पढ़ू अनावश्यक भाव में शिक्षानुष्ठान बंद करवा आमर शिक्षानुष्ठान को बंद करने को आम विरोध करुषान कोविड नियम पालन कर खोल रहू यह आम आज दाबी रही आम चाहू आम दाबी बहुत जल्दी पूरण हो आमर क्यारिययर प्रति यह गोटे प्रश्नवाचक सूचक रही जाए जदि सरकार यहाँ प्रति पदक्षेप ना भविष्य में तीव्र तीव्रतर आंदोलन हम यह आज आम दाबी रही। आमर दाबी रही आम प्रथम लॉकडाउन रे घरे 10 मास काटिक आसलु ये पुणी 3 मास क्लास कि ना पुणी बंद होगा बसी आम एग्जाम केमी दबू पाठ केमी पढ़ू ये किसी स्वप्न नहीं कि आम उत्कल विश्वविद्यालय को आसी घर को एमती फेरी जावाक नुहे पिपिली इलेक्शन तो होची ना इलेक्शन बंद कर दिंतु जदि करोना होची शॉपिंग मॉल खोला अच्छी मद काउंटर खोला अच्छी फिल्म हल खोला अच्छी सब किसी ना कि बाणी विहार में ही केवल करोना होची सेटा हमरा प्रथम दाबी हॉस्टल केबे भी हमें छाड़ू ना हॉस्टल हमरा हमें हॉस्टल रे ही रहिबो हमरा क्लास दे आपन के दाबी आज पूर्ण न करा जिवो ताले आपन आंदोलन आहुरी तीव्रतर हबा हमें आंदोलन जारी रखिबो आपन बीसी को देखा करतिले बीसी आछन देखा करे ना बीसी पर्यंत आसी ना ते पर्यंत प्रशासन रा निद ही भांगिनि हमर ए पर्यंत केहि भी आसी ना हंदी ने भाबरे चिन्ह आपन जे सुनतले अन्य आउ अलग छात्र छात्री छन हमें सीधा सड़क तांकर मध्य प्रतिक्रिया नबा जो माने बसी छंती कौन कहे भाई कौन रहछ आपन देखु आम जो स्वप्न नहीं कि आसती उत्कल यूनिवर्सिटी की
एबे हमर हॉस्टल एडमिशन सरसी एबे बीएमसी तरफ नोटिस आसी उत्कल यूनिवर्सिटी की कि एबे हॉस्टल बंद कर दिया जाऊ एबे जस्ट एडमिशन हेछि आमे केमिदि हॉस्टल एडमिशन न करकि भी हॉस्टल छाडि दा पाइलु आमे जो स्वप्न लेकि आसीथिलु देखंतु शिक्षा अनुष्ठान आमे जो राज्य सरकार गोटे प्रश्न पचारुछु कि शिक्षा आग ना निर्वाचन आग आपण जदि 20,000 लोक मिसिक निर्वाचन करि पारछन्ति तबे शिक्षा अनुष्ठान को कबे डरुछन्ति शिक्षा अनुष्ठान को कोन पई आज पर्यंत खोलाइनि मद दोकान खोलिल परिवा दोकान खोलिल बस रे भर्ती आइकि लोक मान जिबे सिनेमा हॉल खोलिल किंतु शिक्षा अनुष्ठान कोन पई बंद रखिछन्ति तेणु आम दावे हॉस्टल बंद न रहू आम हॉस्टल पाठ पढ़ू आम उत्तीर्ण उत्कल यूनिवर्सिटी रो देखो आम आज राजधानी राजरास्तार ओह्लैचु जदि आम दावी पूरण न हुए आम राजरास्तार ओह्लैबू ना आम ये बस पाठ पढ़ू हॉस्टल बस कौन आम कोरोना हम जदि कोरोना हो भैक्सीन कहीं दौना जब भैक्सीन न देवे आम आज राजस्थान ये पाठ पढ़ू ये आम उठबू ना निहत भाव में चिन्मय आप शुणुते छात्र छात्री मान दाबी रही कि बस कि राजरास्तार पाठ पढ़े हॉस्टल बंद नाई प्रतिभा छात्र छात्री दाबी रही हॉस्टल बंद न हो कारण आम मान दिमास अच्छी जदि हॉस्टल बंद हो फ्यूचर रहा जदि सरकार को ये चिंता ताले यूनिवर्सिटी भैक्सीन जोगात बाहर भैक्सीन बंटा होमर ये कौन पर दौना टेस्ट भी कराऊनि आम चाहून बंद हो आम घर को जाऊ पढ़ार आमर ये ऑनलाइन क्लास भी सफिसीएंट नुहे जेहेतु अधा जगह नेटवर्क आसूनी तो आम ये रही पढ़ी यूनिवर्सिटी एग्जाम दे कि घर को यहाँ आम दाबी देखु जदि सरकार भावुंत कोरोना बढ़ुची तेज हॉस्टल कोविड गाइडलाइन जारी करूँ समस्त को वैक्सीनेशन करूँ समस्त को कोविड टेस्ट करूँ नुहे कि विद्यालय और विश्वविद्यालय बंद कर तार संपूर्ण समाधान आम चाहूँ शिक्षा और आम चाहूँ स्वास्थ्य तेणु आम शिक्षा भी जरूरी बिना शिक्षा बिना आम मानसिक भारसाम्य हरबू और जहाँ भी आम क्षति हो कौन राज्य सरकार दायी रे तेणु आम चाहूँ विश्वविद्यालय खोला रहू और छात्र छात्री मैंने कोविड गाइडलाइन मानि ऑफलाइन क्लास करूँ चिन्मय आप शुणुते छात्र छात्री मान प्रतिक्रिया से दाबी रही जदि से दाबी पूरण न कराए तो राजरास्तार उठे नहीं मानसिक चापर रही जहाँ सूचना मिलूँ चिन्मय निश्चित भाव में चिन्मय बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त सूचना और चित्रपाई आप देखुले चिन्मय आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होते हैं उत्कल विश्वविद्यालय परिसर फाटक सम्मुखर आमको सीधासल दृश्य देखाते कि भाव में बर्तमान हॉस्टल अंतवासी गोटे जिद्रे अटल बस जे सरकार सबकि खोला करते मार्केट खोला रही मद दोकान खोला रही निर्वाचन होतु शिक्षा अनुष्ठान कहीं सरकार एभली मनोभाव रखिंट आ शिक्षा अनुष्ठान को बंद कर दाबी रखुच्चे बर्तमान सरकार आउ थे निष्पत्ति संपर्क मालकानगिरी दुष्कर्म पीड़िता आत्महत्या मामलें नुआ ट्विस्ट सामना को आसला चिकित्सा अवहलार सांघातिक चित्र मालकानगिरी जिला कुरकुंडा ब्लॉक अंतर्गत तालाकुटा ग्राम पंचायत जड़े 14 वर्षीय नाबालिका गत शुक्रवार दिन
दुष्कर्मर शिकार होते घटनाटी प्रघट होगापर नाबालिका जनक विष पी आत्महत्या उद्यम करते कि शरीर में विष पीबार कौन लक्षण देखाई ना कि परवर्त समय हठात मंगलवार दिन नाबालिका शरीर हठात असुस्थ हो पड़ा परे परिवार लोके निकटस्थ करकंडा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को आनी कि समय दायित्व में आयुष डाक्तर कौन चिकित्सा कर नाबालिका बिगुड़ा स्वास्थ्य अवस्था प्रति कौन प्रकार तत्परता देखाई ना जहांफल नाबालिका मृत्यु होता अभियोग जहाँ अर्गस हाथ में लगी एक्सक्लूसीव दस्तावेज गत 6 तारीख में 3:50 मिनिट समय डाक्तर परीक्षा आरंभ कर ठीक 3:50 समय से ही नाबालिका 108 आंबुलांस जुगे मलकानगि मुख्य डाक्तखाना को पठाई तालोले प्रश्न उठू के समय मध्य डाक्तर देवाशीष बेपारी नाबालिका परीक्षा कर तेज संपर्क में अधिक सूचना आम सहित आम प्रतिनिधि फोन लाइन में जोड़ी होती विक्रम केशरी स्वाई विक्रम वास्तविक घटना कौन कारण जो दस्तावेज लगुची जे जत समय दि जाए डॉक्टर जो समय कहते मुझ चिकित्सा करी आई समय से आंबुलांस अं एक हस्पिटाल को जाते वास्तविक सत कौटा देखु गत शुक्रवार दिन नाबालिका को गाँव रण युवक दुष्कर्म करते सहित गांव लोक किसी देखते उधार करते दुष्कर्म जगार उधारकारी पर लोक हस्तांतर करते घटना की प्रगत होता नाबालिका जनक लोकलज्जा को सही नक विश्वपी आत्महत्या उद्यम करते कि दिन अर्थात शुक्रवार दिन तक कौन प्रकार पार्श्व प्रतिक्रिया देखा जा ना तो शरीर धीरे धीरे असुस्थ हो लगी तो मंगलवार दिन जिते निकटस्थ कोरकुंडा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को नहीं 3:50 मिनिट समय नहीं देखिए से कागज से डॉक्टर लिखिंट 3:50 मिनट समय ट्रीटमेंट आरंभ कर 3:50 मिनट समय रेफर करलकानगि मुख्य चिकित्सा जी कह देखें जन दुष्कर्म पीड़िता तार सहित जो विष पीड़े तो विष पीड़ित तो पार्श्व प्रतिक्रिया देखा जावा कथा कि आयुष डाक्टर थे बेपारी तो सी कौन ट्रीटमेंट कर तबे विक्रम वास्तविक घटना उपरे कोनोसी ना कोनोसी प्रेशर पड़ू छी कि कारण जेते बळे गोटे नाबालिका दुष्कर्म शिकार होइछंती एवं स्वास्थ्य अवस्था तांकर ठीक नथिला से हॉस्पिटल को आसी छंती डॉक्टर एबळे मिछो कहबा मिछो रिपोर्ट देबा आ पछरे किछ षडयंत्र रही छी कि कोन मने होउछे निहत रूपे तिमे कहबा देखंदु जेते बळे नाबालिका असुस्थ होइछि जो युवक दुष्कर्म करके युवकों पर ही मेडिकल धरी आसते सब बड़ कथ हूँ से युवकों पर ही मेडिकल धरी आसते डॉक्टर तो भूमिका गोटे बड़ प्रश्नवाद सृष्टि होती कहीं कौन प्रकार ट्रीटमेंट से जगह से करना से डायरेक्ट देखी सब बड़ कथ हूँ देखिए रेजिस्ट्रेशन अच्छी फेवर लिखाई साधारण ज्वर देखे कौन भी ट्रीटमेंट करना तो निहत रूपे कहता जो गोटे बड़ षड्यंत्र अच्छी कहीं परिवार लोक आसी थिले ना नाही केवल जे दुष्कर्म करथिला तार परिवार लोक आसथिले दुष्कर्म करथिला तांको परिवार लोक ही मेडिकल ट्रीटमेंट पई आसथिले तब बड़ कथा होसि मै ई घटना को रुचिरा पई गां रे 2-3 थर खास पंचायत मते बसीथिला किंतु जते बेले घटना जे ए घटना दि वर्तमान नाबालिका परिवार लोक के कोन कहउछन्ते परिवार लोक सीधा सड़क अभियोग करमवास पाख गाँव जो युवक दुष्कर्म करते से पाख गाँव किसी मुष्टिमय लोक पैसार लोभ देखाई ता सहित जीवन में मारिदेवार धमक देखाई यही सब घटना जितने से गरीब निकट आदिवासी लोक से तो यही जिन सब भय देखा जाए तो से पुलिस तत्परता देखाई युवक जनक गिरफ्तारोर्टफराट कर गोटे जिन कह डर जदि गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र डक्टर से ही जगह तत्परता देखाई था षड्यंत्र पूरा रचा जाइछि एवं जो डॉक्टर एबले मिछ रिपोर्ट दउछन्ते तांको विरोध रे मध्य कार्यानुष्ठान होबार आवश्यकता रहिछि बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम आपनकर समस्त सूचना पई। सरगरम होबार लगी पश्चिमबंग निर्वाचन एवं लोकों आकृष्ट करने उभय बीजेपी एवं टीएमसी जोरदार प्रचार करुछंती चतुर्थ पर्याय निर्वाचन पर आज प्रचार करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सीधासलख पश्चिमबंग को जी सेठार प्रतिनिधि प्रदीप्त आम सहित जोड़ी होती प्रदीप्त वर्तमान पश्चिमबंगर राजनैतिक
उष्णता किभ रही तबे वर्तमान पश्चिमबंग राजनैतिक उष्णता सरगर्म होबारे लागिछि। चतुर्थ पर्याय निर्वाचन हेबाकु थिबा बळे वर्तमान निर्वाचनी प्रचार मध्य आरंभ होइछि, जोथि पई कि बीजेपी एवं टीएमसी वर्तमान जोरदार प्रचार चलाइछन्ति पश्चिमबंग रे। एवं एथि पई आज बीजेपी पक्षरु राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाइछन्ति पश्चिमबंग गस्तरे। एवं आज जेपी नड्डा सेठारे प्रचार करिवे निर्वाचनी प्रचार। आउ सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा आउछि टीएमसी बीजेपी भितरे वर्तमान कांटिका टक्कर होबार लागिछि, एवं एको नेकरि वर्तमान राजनैतिक उष्णता मध्य पश्चिमबंगरे देखिबा को मिलुछि। आसे परवर्ती खबर को राज्य रे हजार टपिला दैनिक संक्रमण। आज 1282 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति, क्वारंटाइन रो 755 ओ लोकल केस 527 चिन्हट होइछन्ति। सुंदरगढ़ रु सर्वाधिक 224, खोर्धा रु 192 संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। सेबिरि कलाहांडी रु 108 संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। एहा सह पॉजिटिव को संख्या 346808 को वृद्धि पाई। राज्य में एक्टिव केस 5941 में पहुंची। से आज जनक जीवन नहीं महामारी, मृतक जनक गंजाम जिलार बोली सूचना मिली। आसा मृत्यु संख्या 1924 को वृद्धि पाई। कोरोना मुकाबला पाई कड़ा कटकणा। राजधानी विभिन्न स्थान में पुलिस कड़ा चेकिंग, एक कालीन 20 स्थान में चढ़ाव करिछि पुलिस। विभिन्न हाट और जनगहलीपूर्ण स्थान में पुलिस चेकिंग जारी रखिछि। सामाजिक दूरता मानुनथिबा एवं मास्क पिंधुनथिबा लोकंक ठारु फाइन आदाय होछि। बलांगीर राजेन्द्र विश्वविद्यालय छात्रों को जंगल में माड़ मराजा घटना वीडियो वायरल पर निज आड़ मामला रुजू कर 6 जन को अटक रखी पुलिस। पूर्व शत्रुता को नहीं जड़े छात्र को मणातक आक्रमण करते किसी अणछात्र, एक छात्र गोष्ठी किसी अणछात्र कलेज पछपटे एक निछाटिया स्थान को नहीं मणातक आक्रमण करुवा एक वीडियो वायरल होबार लगी। माड़ खाई छात्र जनक नाम बिहान अग्रवाल बोली जमापड़ी। तेज यह घटना गत 5 तारीख में घटी सूचना रही। माड़ खाऊ छात्र जनक एकाकी बेले माड़ मारी गोष्ठी संख्या 8-10 जन वीडियो रे जना पड़ुछि। सेमानक भितरु 3-4 जन अणछात्र थिबा जना पड़ुछि। आजिठारु घटगाँ माँ तारिणी 85तम चैती पर्व कोरोना कटकणा मध्यरे पालित होइछि। एही पर्व 9 तारिखर आरंभ हो 15 तारिख जाए चलिब। एणु कोरोना को आखि आगरे रखी मंदिर जिला प्रशासन सबु प्रकार व्यवस्था ग्रहण करिछि। चैती पर्व पई मंदिर पक्षरु व्यापक प्रस्तुति ग्रहण करा जाइछि। आजिठारु स्वतंत्र पूजा अर्चना सह माँ सुनावेश अनुष्ठित होइछि। भोर सकाळु माँ स्नान पर माँ जणा और सुनावेश हेबा पर माँ आळती होइछि। आळती पर भक्त को माँ दर्शन पई अनुमति दिया जाइछि। ଆଜି ପୁରା ସକାଳ ଭୋରରୁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ସ୍ନାନ ପୂଜା ହୁଏ, ମାର୍ଜଣା ସୁନାବେଶ ହୋଇଛି ମାଆଙ୍କର ଆଜିଠୁ। ଏହି ସୁନାବେଶ 7 ଦିନ ଧରିକି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ବ ଚୈତି ପର୍ବରେ 7 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିବ। ବାକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିକି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଲାଇନ୍ କରିକି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାହେଉଛି। ଦର୍ଶନ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଆମର ମାସ୍କ ଜରୁରୀ କରାହେଇଛି, ସାନିଟାଇଜର କ୍ୟାବ୍ ଲାଗିଛି, ସାନିଟାଇଜ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ। ବାକି ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସବୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ। ଭକ୍ତ ଯେମିତି ଏକାଠି ନ ହେବେ ଆଉ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରିକି ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ପଳାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଇଛି। ଆଜି ଯାଜପୁରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବାରୁଣୀ ମେଳାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଯାଜପୁରରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମହାସମାରୋହରେ ବାରୁଣୀ ବୁଡ଼ ସହ ବାରୁଣୀ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏହି ବାରୁଣୀ ମେଳା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାରୁଣୀ ମେଳାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଘାଟ ଏବଂ ତାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏପ୍ରିଲ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ 200 ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ନ ହେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 144 ଧାରା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି।
ନୂଆ ଚାଲ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ମୁକ୍ତାର ଅନସାରୀ। ଜେଲ୍ ଆଖପାଖରେ ବିଛାଇଛି କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ସାର୍ପ ସୁଟରଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ। ୟୁପିର ବାନ୍ଦା ଜେଲ୍ରେ ରହି ଆଇନ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମାଫିଆ ଡନ୍। ୟୁପି ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବାନ୍ଦା ଜେଲ୍ର ଆଖପାଖରେ ଏବେ ମୁକ୍ତାର ଇଙ୍ଗିତରେ ପ୍ରାୟ 200 ସମର୍ଥକ ତଥା ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଡନ୍ର ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ୟୁପି ପୋଲିସ। ନୂଆ ଚାଲ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ମୁକ୍ତାର ଅନସାରୀ। ଜେଲ୍ ଆଖପାଖରେ ବିଛାଇଛି କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ସାର୍ପ ସୁଟରଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ। ୟୁପିର ବାନ୍ଦା ଜେଲ୍ରେ ରହି ଆଇନ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମାଫିଆ ଡନ୍। ଡନ୍ର ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ୟୁପି ପୋଲିସ। କୁଖ୍ୟାତ ମାଫିଆ ଡନ୍ ତଥା ରାଜନେତା ମୁକ୍ତାର ଅନସାରୀକୁ ନେଇ 2019ରୁ ୟୁପି ଓ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଆଇନଗତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୋଟ 55 ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋର ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବରୁ ୟୁପିର ବାନ୍ଦା ଜେଲ୍କୁ ଆସିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର। ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରର ମାଫିଆ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ୟୁପିର ବାନ୍ଦା ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଚାଲ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ମୁକ୍ତାର। ୟୁପି ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବାନ୍ଦା ଜେଲ୍ର ଆଖପାଖରେ ଏବେ ମୁକ୍ତାର ଇଙ୍ଗିତରେ ପ୍ରାୟ 200 ସମର୍ଥକ ତଥା ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ନିଜ ବସ୍ର ଆଦେଶରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ତଥା ସାର୍ପ ସୁଟର ମଧ୍ୟ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ୟୁପି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ମୁକ୍ତାର ଜେଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଇ ଖାଉଥିଲା ଏବଂ ଅତି ଅଶ ଆରାମରେ ବିତାଉଥିଲା ଜୀବନ। ଏବେ ୟୁପିରେ ଯୋଗୀ ସରକାର ମାଫିଆ ତଥା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଥିବାରୁ ଆଉ ଚଳିବନି ମୁକ୍ତାର ମନମାନି। ତଥାପି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାନ୍ଦାରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଏ ବାବଦରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ୟୁପି ପୋଲିସ। ବାନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜେଲ୍ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଘରମାନଙ୍କରେ କେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭାବରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିଛନ୍ତି ବା ରହିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ନୂଆ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ସବିଶେଷ ପରିଚୟ ରଖିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଆଫିଡେଭିଟ୍କୁ ଥାନାରେ ଦାଖଲ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁକ୍ତାର ଏବେ ୟୁପିର ବାନ୍ଦା ଜେଲ୍ରେ ଥିବା 16 ନମ୍ବର ବାରାକ୍ରେ ରହୁଛି। ସେଠାରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହିତ CCTV କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଯାହାର ଲାଇଭ୍ ଫିଡ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପୋଲିସ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ନିକଟରେ କେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ଜେଲ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉଛି। ମୁକ୍ତାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ଆଇନ ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ବଳରେ ଗିରଫ କରିଥିବାରୁ ଏଥର ମୁକୁଳିବା ସହଜ ହେବନି। ଏହାଛଡ଼ା ମୁକ୍ତାର ଭଳି ରାଜନେତାରୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ବନିଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ସରକାର। ମୁକ୍ତାରର ପରିବାର କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ସେ ନିଜେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଓ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ 5 ଥର ବିଧାୟକ ରହିସାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମସ୍ତ ଅଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।